से करना है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग आपको पर डे अपडेट करते रहे हैं। सिर्फ आप लोग की एक सब्जेक्ट की शिकायत थी कि मैथ की, वो आज से भी वो शिकायत भी खत्म हो गई है। हमारी टीम ने मिलकर आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट देने का फैसला किया है और हम लोग अपने काम पे रेडी हैं। बस कुछ ही समय में आपको हम उसका अपडेट देते रहेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है अलजेब्रा। गाइस, आज जो हम आपको कहते हैं कि अलजेब्रा के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो पहले हमें जान लेते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है। और अलजेब्रा ऑफ डिफिनीसन अगर कहें तो उसकी होगी, ए टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल आर यूज्ड टू रिस्पेक्ट नंबर। ऐसी मैथ्स की ऐसी एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम लेटर्स हों या लेटर्स इंक्लूडेड जो सिंबल्स होते हैं उनके साथ इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कि जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एग्जाम्पल हो गया, या 3x प्लस 5, ये सब जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं ये सब अलजेब्रा के फंक्शंस हैं। अब आइए हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस पे, जो इस साल के जो अपडेटेड क्वेश्चन हम लोग के पास हम लोगों ने इकट्ठा किया है कुछ इस तरह से हैं। ये गाइस हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है कि 4x-3 प्लस 5x-5 इक्वल टू 9x-3। इसको हमको वैल्यू निकालता है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो अगर गाइस अगर हम इसको सॉल्व करने बैठेंगे तो आपको भी पता है हमको भी पता है, एग्जाम में एक क्वेश्चन में मुश्किल से एक मिनट का क्वेश्चन बनता है। तो ये क्वेश्चन अगर इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे उस तरह से तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाए। तो क्यों ना हम इसका सिंपल सा सोल्यूशन निकाल लें। ऐसे क्वेश्चन को गाइस ऑलरेडी करके इसको जो हम लोग के पास जो रिजल्ट होते हैं यानी जो सिंबल्स जो हम लोग को मिले होते हैं और ए बी सी डी इसी से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मन में कुछ कैलकुलेशन करते हैं, अगर यानी कि हमको यहाँ अगर हम एक्स के जगह पे एक रखते हैं तो आएगा 9/12। इसको 9/12 इसको जब कट करेंगे तो 9 × 3 = 12 यानी -3/4। यानी अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा इतना आंसर आना चाहिए। तो एक बार हम कंटिन्यू करके यहाँ भी देख लें, अगर हम यहाँ मान रखेंगे तो आएगा आप लोग यहाँ पे कट करेंगे तो -2 × 4 यानी -2 आएगा। देखिएगा इस कैसे -2 आएगा कि जब हम 4/1 रखेंगे तो एक में से 3 जब माइनस करेंगे तो -2 आएगा, और 2 से जब हम डिवाइड करेंगे 2 × 4 -2 बार में चला जाएगा। अब यहाँ से हम अगर 5 रखेंगे और यहाँ जब 1-5 करेंगे तो हमारा -4 आएगा। अब जब गाइस इसको सॉल्व करते हैं 4 × 8 यानी 8 हो जाएगा, और 5-4 8 में 5 जब 8 करेंगे तो 13/-4 यानी जो एक क्वेश्चन है हमारा ये आंसर भी गलत है। उसी तरह गाइस हम इसको भी जांच करके, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप लोग जो देखेंगे तो वो मेनली रेयर केस में टाइम लगेगा। तो गाइस अगर टाइम बचाना है तो एक हम इधर से करके देख लेते हैं, तो सिंपली एक बार इधर से करके देख सके हो सके रेडी यही भी हो सकता है। तो जब ऐसे हम जब इसकी वैल्यू यहाँ पे फाउंड करेंगे तो वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो 4-3 कर लेंगे इसको 5/4-5 प्लस 9/4-13। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा 1, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो -1 बचेगा हमारा। और यहाँ पर यहाँ ये जो इक्वल टू का साइन है हमारे पास, तो यहाँ पे जब इक्वल टू करेंगे तो 9, और जब 13 में से 4 जाएगा तो 9 × 4 = 13 यानी -4 बचेगा, -9 बचेगा यानी 4। अभी जब यहाँ से प्लस माइनस रहता है तो हमेशा माइनस आता है। फिर 5 जब इसको हम कटआउट करेंगे तो 9 में से -1 बार में कटेगा, और 5 में से 4 घटाएंगे तो -1 - 1 यानी कि जो LHSS हमारा है RHSS के वैल्यू के बराबर था हमारा आंसर, ये हमारा सही होगा। क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। तो गाइस इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा शॉर्ट आउट, इसको सिंप्लीफाई करना है, इसमें वैल्यू नहीं करना है, इसकी वैल्यू एक्स की नहीं, इसको बस सिंप्लीफाई करना है, इसको शॉर्ट करना है, कितना शॉर्ट कर सकते हैं। तो मेनली जो रेयर केस में अब यहाँ से अगर हम 4 कॉमन कर लें तो यहाँ पे एक्स माइनस 2 आ जाएगा, और यहाँ पे 2x + 5। अब जब इसको देखिएगा इस यहाँ से सॉल्व करने से पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यह एक हमारा फैक्टर बन रहा है, तो इसको सिंपली फैक्टर बन, तो इसको पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। जब इसको फैक्टर करेंगे तो हमारा हमेशा आएगा x - 1 करके देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है, x² - 2 - 1 x - 2 x² - 2x + x - 2 एक्स कामन लेंगे तो x - 2 + 1 कामन लेंगे तो x - 2 यानी यहाँ से हमारा x - 2 x + 1 आ जाएगा। अब इसमें इसके जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं x - 2 और x + 1 वैल्यू पुट कर लिए। अब देखिए गाइस अब क्या यहाँ भी है और यहाँ भी, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको एक बड़ा क्वेश्चन x 4 x - 2 और x + 1
अब यहाँ से जब डिवाइड किया जाता है इसमें आपको भी पता है, तो ये दोनों डिजिट जो कटेगा हमारा कुछ बचेगा कुछ डिजिट एक क्वेश्चन, यानी कि 5x और प्लस 2 और x प्लस 1 और माइनस टू एक्स प्लस 5, और जब कट जाएगा तो यानी इंटू से 4 बचेगा। अब वैसे इसको हम क्या कहते हैं, जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब आप लोग को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5x प्लस 9 और एक क्वेश्चन में x माइनस 2 अपन 4x माइनस 2x प्लस 1। अब गाइस इसे कटआउट हो जाएगा, जहाँ से सॉल्व करेंगे 5x प्लस 9 4x प्लस 4, यानी कि हमारा जो आंसर है ये सही हो जाएगा, आ जाएगा। सिंपली हम इसको देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी जो BHU के अपडेटेड क्वेश्चन से एकदम 2019 के एग्जाम है, वन क्वेश्चन नंबर आप जाके चेक कर सकते हैं, उसमें इसको सॉल्व करने के लिए। देखिए गाइस इसको सॉल्व करने का तरीका है, अगर इसको हम लेते हैं तो बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाए। सिंपली देखें ये दोनों, किसी का देखने से आपको लग रहा है किसी का फार्मूला है, करेक्ट एकदम बिल्कुल, ये फार्मूला AQ माइनस BQ का फार्मूला है। इसका फार्मूला होता है A माइनस B, A² प्लस AB प्लस B² ओके गाइस। और ये नीचे वाला है, ये फार्मूला होता है AQ प्लस BQ इक्वल टू A प्लस B A² और माइनस AB प्लस B² ऐसे फार्मूला होता है। तो हमको काल का सॉल्व करने से बेटर इसकी जगह फार्मूला हम पुट कर देना, क्या प्रॉब्लम है। तो जब इसके फार्मूला करेंगे तो यहाँ A की जगह 1 है और B की जगह पे x, तो ये फार्मूला हम रख सकते हैं u1 माइनस x³। ये जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा है, इसके नीचे a प्लस b का फार्मूला, aq प्लस bq का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे 1 प्लस x³ का फार्मूला रख सकते हैं। अब 62 63। अब गाइस देखो जब बराबर होता है तो हमेशा तिरिया गुणा कर दिया जाता है, तो जब तिरिया गुणा करेंगे आप यहाँ पे तो ये आपका हो जाएगा 63 माइनस 63 x³ इज इक्वल टू 62 प्लस 62 x³। अब गाइस पश्चांतर कर सकते हैं हम लोग, 63 ये 62 है डिजिट, इसको हम यहाँ लाएंगे तो प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये 62 x³ और ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 63 x³। अब जब ये जब 63 में से 62 जाएगा एक बच्चा, और जब 62 और 63 जोड़ेंगे तो 125 हम लोग का आंसर x³। अब x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, हम लोग को, तो दिस इंप्लाइज दैट अब 1/125 इज इक्वल टू x³। अब इसका हम लोग स्क्वायर रूट ले, इसका घनमूल ले सकते हैं, तो जब घनमूल लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1+5, यानी कि जो हमारा आंसर होगा ये वाला आंसर सही है। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व करके देख लें, चौथा क्वेश्चन से a प्लस बी क्यू माइनस a माइनस बी का क्यूब। देखिएगा इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे अगर आप चाहें तो a प्लस बी, इसको a मान लें इसको भी, तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो सिंपली इसका क्या कर सकते हैं हम, इसको तोड़ दें, इसको तोड़ेंगे तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी इसका फार्मूला हो गया, माइनस इसको बड़े कोष्ठक में कर दें, इसका फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab और a माइनस बी। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a से मल्टीप्लाई होगा तो a² b, फिर अगेन इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे 3a² माइनस अब ए क्यू माइनस बी क्यू, अब इसका जब करेंगे तो 3a² b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3ab² अब सिंपली ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3 माइनस हो जाएगा, क्योंकि गाइस यहाँ प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3ab². अब देखिए हम कोई कट जा रहा है क्या, हाँ ए क्यू से ए क्यू कट गया, यहाँ से 3ab² से 3ab² कट गया। अब यहाँ से बचा bq जब ऐड करेंगे तो 2bq हो जाएगा, 3 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लें 6a² b प्लस 2bq। अब यहाँ से हम देखेगा 2b हम कॉमन कर सकते हैं, तो 2 3 6 3a² और प्लस b² हम देखेंगे इसे कहीं क्वेश्चन, हाँ हमारे पहला में है चलिए ओके गाइस। और बाकी जो अपडेट है आपको है नोट्स हमेशा हमारे चैनल पे अपडेट मिलेगी,
ओके गाइस, थैंक यू।